तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र। आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपने आज सुबह से एक बार भी PUBG मोबाइल को ओपन किए होंगे तो आपको होम पेज के अंदर एक बैनर देखने को मिला होगा। तो काफ़ी लोगों ने इस बैनर को नोटिस ही नहीं किए होंगे। तो इस बैनर के अंदर PUBG वालों ने एक मेजर चेंजेस किया है हमारे PUBG मोबाइल के अंदर, उसी के बारे में बताया है। तो मैं पूरा का पूरा जो बैनर है इसको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरा इंस्टा आईडी है rp_information, जाके फॉलो कर लेना। तो चलिए ज़्यादा देना करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस बैनर का जो टाइटल है, ब्लूटूथ हेडफोन एक्सपीरियंस आर एन नाउ बेटर देन एवर। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग ब्लूटूथ हेडफोन या एयरफोन को यूज़ करते हैं PUBG मोबाइल खेलने के लिए। तो क्या हो रहा था कि अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन या एयरफोन यूज़ करते हैं तो आपको भी पता होगा, जब भी आप गेम खेलेंगे तो जो साउंड है, जो रेंडरिंग का साउंड है, वो आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देता है, मतलब साउंड डिले होता है। दोस्तों अगर आपने कभी भी ब्लूटूथ हेडफोन से PUBG मोबाइल को नहीं खेले होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कैसे एक्सपीरियंस रहता है साउंड डिले का। पर मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास पहले एक ब्लूटूथ हेडफोन था एंड बहुत ही कम साउंड हमें मिलता है, उसके साथ साथ बहुत बार टाइम रेंडरिंग प्रॉब्लम होता है एंड मतलब साउंड डिले तो लगे ही रहता है। मतलब अगर आप किसी घर में रश करने जा रहे हैं तो आपका कोई फ्रेंड अगर नॉर्मल हेडफोन यूज़ करते हैं तो उसका जो टाइमिंग के अंदर साउंड सुनाई देगा तो उसके कुछ मिली सेकेंड या कुछ सेकेंड के बाद आपको सुनाई देगा अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है ब्लूटूथ हेडफोन का। जो लोग ब्लूटूथ हेडफोन से खेलते हैं उनको पता होगा ही। तो अगर आप भी ब्लूटूथ हेडफोन से खेलते हैं ज़रूर कमेंट जैसे ना बता देना। तो क्या हो रहा है कि PUBG वालों ने ये जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करने के लिए एक नया छोटा सा अपडेट लाया है। तो हमें तो कोई इन गेम के अंदर अपडेट नहीं देखने को मिला है, पर ये ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है 60% लेस ब्लूटूथ हेडफोन लेटेंसी फॉर प्लेयर्स हु यूज़ एंड्रॉयड 9 और न्यूअर। तो क्लियरली लिखा गया है कि 60% जो साउंड है उसको अभी ठीक कर दिया गया है, मतलब अभी आपको थोड़ा जल्दी सुनाई देगा, थोड़ा जल्दी रेंडरिंग होगा। 100% तो नहीं फिक्स किया है, 60% फिक्स किया है तो काफ़ी सही है। तो अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करिए तो आपके लिए काफ़ी सही बात है ये। एंड दोस्तों यहाँ पर डिवाइस भी मेंशन किया गया है कि अगर आपके डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 9 है या उससे भी नया है तभी ये चीज़ वर्क करेगा आपके डिवाइस के अंदर। एंड्रॉयड 9 मतलब अगर आपके फ़ोन के अंदर पाई है, पाई आ चुका है, पाई का अपडेट या फिर पाई है, तो ये चीज़ आपका फ़ोन के अंदर ज़रूर वर्क करेगा। एंड मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी एंड्रॉयड पाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड और भी अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊँ, अगर आपका डिवाइस 2018 से भी पुराना है, मतलब अगर आपने 2017 में फ़ोन खरीदा है, तब शायद आपके फ़ोन में दिक्कत हो सकती है कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 9 ना आए। नहीं तो अगर आपने 2019 में खरीदा है फ़ोन, या फिर 2018 में खरीदा है, या फिर 2020 में खरीदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 9 होगा। एंड अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिए आपके फ़ोन के नाम के हिसाब से, या आप सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन में जाके देख लीजिए आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 9 है या नहीं, तो क्लियरली आपको पता लग जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड 9 है या फिर एंड्रॉयड 9 से भी नया फ़ोन है, आपके पास एंड्रॉयड 10 आ चुका है उसके अंदर, एंड आपके पास एक ब्लूटूथ हेडफोन है, तो आपको जो ब्लूटूथ का हेडफोन का लेटेंसी है वो अभी कम देखने को मिलेगा 60%। तो एक बार जाके ज़रूर ट्राई करना गेम खेल के कि क्या फ़र्क पड़ा है या नहीं। एंड नीचे कमेंट सेशन है वीडियो का, आके ज़रूर बताना क्या आपको फ़र्क पड़ा है या नहीं। एंड अगर आप मेरी तरह यूज़र है जिसके पास नॉर्मल हेडफोन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये ब्लूटूथ लेटेंसी की वजह से आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कोई भी अगर आप ई स्पोर्ट टूर्नामेंट उठा लीजिए, जैसे कि PUBG मोबाइल का PMC हो गया या फिर नॉर्मली कोई PC गेम का टूर्नामेंट हो गया, कहीं पर भी ब्लूटूथ का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होता है। ब्लूटूथ का ना हेडफोन यूज़ होता है, ना ही ब्लूटूथ का कोई भी कीबोर्ड या फिर माउस, ये सारे कुछ यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन सेकंड के वजह से आपका गेम ख़राब हो सकता है, आप गेम के अंदर हार सकते हो ये ब्लूटूथ लेटेंसी के वजह से। तो इसलिए सभी जगह वेयर जो भी सारे हेडफोन के अंदर है उन्हीं हेडफोन का यूज़ होता है, जिसके वजह से जो साउंड है वो क्लियरली सुना देता है एंड कोई भी लेटेंसी आपको नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको क्लियरली समझा दिया कि ब्लूटूथ लेटेंसी है क्या चीज़, एंड अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम एक ना एक बार हुआ ही होगा, एंड ज़्यादातर सभी लोगों को ये होता ही है। तो अभी PUBG वालों ने इसको सॉल्व कर दिया है, तो अभी देखना है क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। मेरे पास तो अभी ब्लूटूथ हेडफोन नहीं है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं।
तो यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त लोग पबजी मोबाइल खेलते हैं सभी के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना बोला, एंड बेल आइकन के साथ साथ जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली इन्फॉर्मेटिव इसका वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मैं आता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं। हैव अ नाइस डे।